कैसे हो तुम? तुम्हारे सामने तो सो सॉरी, सॉरी किस बात की? हम सब बाहर हैं और तुम अंदर हो। अपनी गलतियों की सजा काट रहा हूं, मैं कोई गलती नहीं की है। तुमने मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूं जो मैंने तुम सबके साथ की है। कुछ नहीं किया है उल्टा हमारी वजह से तुम अंदर। इट्स नॉट फेयर। फेयर अनफेयर की बाउंड्रीज तो हम बहुत पहले मिटा चुके हैं। खैर, तुम कैसी हो? मैं हर एक के पास गई हूँ तुम्हारी रिहाई के लिए। मरियम, किरण। किरण, हाँ, मुझे लगा उसके डैड बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, तो क्या कहा उसने? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आयशा, क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं एक ही शर्त पे ट्राई करूंगी, अगर हम ट्यूबलाइट बंद कर जाए तो। उसने क्या कहा? अभी तो बताया है कि कह रही है कि हम ट्यूबलाइट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। किरण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहुत कुछ करना भी नहीं चाहिए था। तुमने क्या कहा उसे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहीं नहीं, मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं सकूं। याद है ना कि ट्यूबलाइट इन पांचों का है। मैं यहाँ फोन अरेंज करके उससे बात करता हूँ। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें उससे कोई बात करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो लोग होनी चाहिए। मैं उससे हेल्प मांगने गई थी, तुम्हारी बात करने गई थी, उल्टा हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वो डील्स बना रही है, वो भी इतनी घटिया। You're right. खैर, तुम सही हो ना? तुम्हें कोई अंदर तंग तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, एक दोस्त बनाया मैंने, वो मुझे सिक्योरिटी दे रहे। हमारी तरह ही हुआ, कहता है कि यहाँ पे अगर कोई तरक्की कर रहा हो तो बजाय कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें, सब उसको गिराने में लग जाते हैं। लेकिन हमने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की है हमजा। हमसे गलती हुई है असल में तो। गलती हम सबसे हुई है, पर आयशा, लॉ की इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हमें जब पैसे वक्त किसी लॉयर या कंसल्टेंट से बात करके ये डिस्कस कर लेना चाहिए था। लेकिन हम पास को वापस नहीं ला सकते हमजा, एंड आई एम श्योर कि हम लोग इन लोगों को कन्विंस कर लेंगे कि हमने इंटेंशनली नहीं किया है। हमारी उम्र तो देखो यार। फिर वही बात, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। और वैसे भी हम अपनी उम्र के हिसाब से काफी तरक्की कर रहे थे। अब मुझे सिंकिन हो रहा है कि किरण ठीक कह रही है, हमें ट्यूबलाइट बंद कर देनी चाहिए। हमजा, क्यों कह रहे हो? आराम से सोचो, हमारे पास ना ही पैसे हैं और पता नहीं कितनी देर चलेगा। और वैसे इतना बड़ा धब्बा लग चुका है, हमारे साथ कोई काम नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा हमारा, तो लेट्स जस्ट क्लोज इट। सी बातें कर रहे हो तुम? तो आइडियलिस्ट थे ना, कहते थे कि अगर यहां पर बहुत कुछ गलत है तो बहुत कुछ सही भी है। गलत था मैं, और यहां आकर इन लोगों से बात करके मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि इस मुल्क में कुछ नहीं होना। हम इस मुसीबत से निकलेंगे तो कोई और मुसीबत आ जाएगी। बस बंद कर दो इस ट्यूबलाइट को। नो, आई एम श्योर कि बाहर निकलने के और भी कोई तरीका हो, एंड ट्यूबलाइट को बंद करना इज नॉट वन ऑफ देम। मैं बाकियों का ओपिनियन लेना चाहता हूँ। फिर आर्ग्यू कर रहे हो तुम मुझसे? आर्ग्यू नहीं कर रहा, रियलिटी चेक दे रहा हूं। लिसन, वी ट्राइड बट वी फेल्ड, और हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कैसे इस वक्त हमें सारी एफर्ट इस पे करनी कि तुम्हें कैसे बाहर निकलवाना है? किरण ने जो कहा है वो करो, टेक द डील। फिर वही बात, कितनी बार हमजा, किरण का पता है ना तुम्हें? कागजात पे साइन करवा के मुकर के फिर क्या करेंगे हम? और कोई ऑप्शंस है हमारे पास इस वक्त? 5 साल यहाँ पड़ा रहा तो? क्यों कह रहे हो? और किरण का भरोसा भी नहीं है कि वो तुम्हें निकलवा भी सकती है कि नहीं निकलवा सकती। इतना आसान थोड़ी ना होता है। उसके लिए है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो।
चलो तुम्हारी मुलाकात आई है। कौन आया? पता नहीं। आ जाओ। किरण, तुम कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि वर्ड गोज आउट? कैसे तुम्हारे सामने ही हूं? सुना है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।